तो बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। जी हां, सुरक्षा के मद्देनजर दोबारा से वोटिंग हो रही है। हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ये वोटिंग हो रही है। हिंसा हुई थी, इसके बाद रद्द कर दिया गया था और फिर से सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दी गई है। 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है और अभी तक आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से कड़ी व्यवस्था की गई है और हर मतदान केंद्र पर, जी हां, आपको बता दें जहां भी मतदान केंद्र है, जो भी बूथ है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा को चौकसी कर दी गई है और अभी तक लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। जो पहले चरण में मतदान हुआ था, हिंसा की वजह से मतदान को रद्द कर दिया गया और आपको बता दें कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच वहां मतदान किया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि हर जगह, हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है और आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। आप देखिए, कोई भी केंद्र हो, वहां पर लगातार सुरक्षा को बढ़ा दी गई है और मणिपुर की बात की जाए तो बहुत ही संवेदनशील मतदान केंद्र और इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहले भी व्यवस्था की थी, लेकिन आपको बता दें कि पहले चरण में कई जगहों पर हिंसा हुई थी, उसके बाद रद्द कर दिया गया था और आज आपको बता दें कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हर केंद्र पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और आप देख सकते हैं कि कई जवान वहां मौजूद हैं। मणिपुर में 11 बूथ पर फिर दोबारा से वोटिंग हो रही है और लोग घरों से निकल रहे हैं, लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। 11 केंद्र पे आपको बता दें कि फिर से वोटिंग हो रही है। दरअसल हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही रद्द कर दिया गया था और आज फिर आपको बता दें कि 11 बूथों पर वोटिंग हो रही है। हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। और मणिपुर की बात की जाए तो देखिए, मणिपुर इस बार ऐसे भी सियासत का केंद्र रहा और इस बार मणिपुर की बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ज्वलनशील मुद्दे हैं और उन मुद्दों के बीच मतदान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मतदान हो रहा है, इसके लिए पहले से ही पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं मतदान केंद्र पर महिलाएं भी पहुंच रही हैं और पहले से ही ये व्यवस्था की गई थी कि आज कोई ऐसे हिंसा ना हो और अभी तक आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है और इसके लिए पहले से ही प्लान तैयार था। दूसरी रणनीति भी बनाई गई थी। मणिपुर में 11 ऐसे बूथ हैं जहां पर दोबारा से वोटिंग हो रही है।